मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सुबह हो गई और जॉब के लिए निकल चुकी हूँ, ऑन द वे हूँ। और बस आज बहुत खुश हूँ क्योंकि ऑफकोर्स छुट्टी है कल, तो आज से ही छुट्टी के मूड में आ चुकी हूँ। और आज वीकेंड है तो ऑफकोर्स रोड पूरा खाली है, इसलिए सोचा चलो सुबह से मैं वीडियो बनाऊँ खुद, तो इसीलिए शुरू कर दिया। और देखते हैं आज कैसा रहता है। आज शायद टाइम पे निकल आऊँगी तो मज़ा करेंगे, कल भी छुट्टी है तो देखते हैं क्या करते हैं आज। कल भी थोड़ा जल्दी आ गई थी तो बस शादी से जनक के साथ बैठे थे, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि कभी कभी लेट हो जाता है तो बस सुबह से रात हो जाती है, तो जब ऐसे टाइम मिल जाता है ना तब एक दूसरे के साथ टाइम बिताना ज़रूरी है, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पे खास, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम निकाल के एक दूसरे के लिए टाइम निकालना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जॉब के साथ सब कुछ करना नॉट ईजी। बस तो अभी ये चल रहा है और देखते हैं, हमने कुछ प्लान किया है कल के लिए तो हो पाए तो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, आपके साथ भी शेयर करेंगे वो सब। चलिए ऑन द वे हूँ, जल्दी से जॉब पर पहुँचते हैं वरना लेट हो जाएगा मुझे, क्योंकि 6 बजे मुझे पंच करना होता है। चलिए मिलते हैं वहाँ जाकर। पूरा रोड खाली है आज, वीकेंड में इतना नहीं होता ट्रैफिक तो इसलिए सिग्नल का भी इतना इशू नहीं होता, तो थोड़ा 1-2 मिनट लेट भी हो जाए सुबह निकलने में तो प्रॉब्लम नहीं है, पर वीकडेज में टाइम पे निकलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सिग्नल का टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए वो देख कर निकलना पड़ता है। पर चलो आज तो सिग्नल का भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आज वो भी आराम से निकली हूँ, जा रही हूँ जॉब पर। तो बस ये जॉब के लिए आ गई हूँ, अंदर जा रही हूँ, पहले फटाफट पंच कर लेती हूँ, सिर्फ 2-3 मिनट ही बाकी है, क्योंकि 6 बजे पंच ना करे तो फिर पॉइंट मिलते यहाँ पर, तो बेटर के टाइम पे पंच करो। और मिलती हूँ निकल के फिर आफ्टर जॉब, कैसा रहता है आज का दिन। चलो गुड बाय। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम टू भूषण डायरीज। आई एम गुड, फाइन, हेल्दी। आप सब कैसे हो? मजे में रहिए और मौज करते रहिए। तो बस कैसा लग रहा है आपको हमारे ब्लॉग्स? और यहाँ पे एटमॉस्फेयर वापस खुल गया है, वापस सनी डे, तो कीप एंजॉइंग। और आज खाना बनाएंगे और थोड़ा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई अभी जोरों शोरों पर चल रही है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, जल्दी से एग्ज़ाम देंगे तो जल्दी से अच्छा होगा कुछ, तो बस यही सिलसिला चलता रहेगा। और बताइए आप लोग हमें, और कुछ नया आप देखना चाहते हो यहाँ से तो हम वो बताएंगे, तो कमेंट करके बताइए हमें कि क्या देखना चाहते हो आप। लेट्स सी, एंजॉय, कीप एंजॉयिंग। हाय फ्रेंड्स, अब भी जस्ट निकली हूँ जॉब से और मुझे देख के लग पता चल गया होगा आपको कितनी थकी हूँ, बहुत थकी हूँ सच्ची में। 6 बजे पंच किया था और अभी टाइम हो रहा है 4 बज चुके हैं, हो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। चलो फटाफट घर चलती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर वापस आपसे बात करती हूँ। शाबाश बेटा। तो गुड आफ्टरनून, तो बस हम रेडी हो गए हैं वापस, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लिया, रेस्ट कर लिया और अभी थोड़ा नाश्ता की तैयारी चल रही है। तो किसी और की एंट्री हो चुकी है, दिखाता हूँ कौन है वो।
तो घर आ गई और आप देख सकते हो कितनी फ्रेश लग रही हूँ मैं। बस और बहुत कुछ रेडी है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये है कांदा पौवा और उसके साथ हम लेंगे ठंडी ठंडी छास। मज़ा आ गया आज। एक्चुअली इस टाइम पे सब चाय नाश्ता करते हैं, पर हमने सोचा कि चलो कुछ अलग करते हैं, है ना? गर्मी का मौसम है। हाँ, बाहर गर्मी बहुत है, तो सोचा जब वहाँ से जॉब से निकली तो जनक को फ़ोन कर दिया मैंने पहले, तो फिर प्लान कर दिया हमने कि चलो आज चाय कैंसिल और छास पीते हैं ठंडी ठंडी। चीयर्स। और उसके साथ थोड़ा नाश्ता, बहुत भूख लगी। कितने बजे लंच ब्रेक लिया था मैंने? 11:30। हाँ, 11:30 बजे लिया था। उसके बाद कुछ भी खाया पिया नहीं, इतनी बिजी थी। तो अभी ये आराम से कांदे पोहे खाएंगे और उसके साथ छास, बाद में देखते हैं थोड़ा आराम करेंगे और फिर खाना बनाएंगे वापस, वही का वही। आज कुछ मस्त बनाने वाली हूँ, आप सबको बाद में दिखाऊंगी मैं। तो मस्त खाना बना के और सब करके फ्री हो गए, तो अभी यहाँ बाहर मस्त बैठे हैं। देखो शांति से बैठे हैं अभी, अच्छा सा एटमॉस्फेयर है बाहर। स्टार ऑफ द डे। यस, अभी आपकी कल छुट्टी है तो देखो खुशी देखो चेहरे पे। ओहो, किसको खुशी नहीं होगी छुट्टी की? छुट्टी की सबको होती है और होनी भी चाहिए और रिलैक्स होना भी चाहिए। वीक में दो दिन छुट्टी होनी चाहिए, वही बेस्ट है। एक दिन थोड़ा काम कर लो और फिर वापस आराम करो तो ही छुट्टी छुट्टी लगे, वरना क्या है, एक दिन तो सुबह उठने में ही हो जाता है। बस यही है। एटमॉस्फेयर मस्त है आज एकदम, अभी भी सन है, 8 बजने को है, फिर भी मस्त रहेगा। सितंबर अक्टूबर तक ये सब ऐसा ही रहेगा, अंधेरा लेट होगा। सही बात है, आपको ये आवाज़ आ गई होगी वापस। हाँ, एसी की, एसी चालू हो गया तो अभी आवाज़ आएगी। बैकग्राउंड म्यूजिक हमें देना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक आता है, टेंशन लेने का ही नहीं देने का। एनर्जी थी खत्म हो गई, अभी वापस रीगेन कर रहे हैं हम, एटमॉस्फेयर से एनर्जी ले रहे हैं, यू नो, काफ़ी अच्छा है एकदम नेचुरल एनर्जी। तो चलो कोई नहीं, हम भी एंजॉय करते हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। मस्त आज क्या देखेंगे हम? भेड़िया पिक्चर, भेड़िया मूवी देखने वाले हैं। देखते हैं हम कितना देख पाते हैं, क्योंकि ये डर बहुत ज्यादा है। नहीं, पूरा देखूंगा, कोई पूरा देखूंगा, ठीक है, डर गए तो भी कोई बात नहीं, पूरा देखेंगे। चलो कोई नहीं, तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। yes. कल मिलेंगे इसी समय पे और कल बताएंगे भेड़िया मूवी कैसी है। फिर आप भी देख सकते हो। और एंजॉय कीजिए, स्टे ट्यून्ड टू भूजन डायरीज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एकदम मस्त मजे में रहिए और कीप एंजॉयिंग। जलसा करो, मौज करो, मौज। बाय बाय।